हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम पहुंच गए जम्मू रेलवे स्टेशन के पास में पहुंचने वाले। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जा रहा हूं मैं किश्तवाड़, फिर ठंडे इलाके में। यहां के पसीने से होगा छुटकारा, ठंडे इलाके में जा रहा हूं। फिर मस्त वीडियो हम वहाँ पर शादी पर अटेंड करेंगे, काफ़ी फंक्शन है, फंक्शन के लिए जा रहे हैं घर। और मिलेंगे आपको फिर आगे शाम को 8:45 की हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से, तो निकलते हैं यहाँ से। फिर मिलेंगे आपको हम ट्रेन में, और बने रहे ब्लॉग पे, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, जय हिंद। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और ये हमारा कोच है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे कोच है हमारा। गर्मी बहुत बाहर है, तो बहुत देर टाइम लेते हुए मैं अभी अंदर प्रस्थान करूँगा। ये है भाई उत्तर संपर्क क्रांति, बस का सफर होगा। हेलो गाइस, फाइनली हम जम्मू से निकल चुके हैं अपना किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ का रास्ता है जम्मू बस से निकल रहे हैं, और हम बस में ब्लॉग बना लेते हैं। और आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक है, काफ़ी
सरकार की जा रहे हैं और मैं बस में बैठा हुआ हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड साइड में पहुँची गई गाड़ियाँ सारी की सारी, जो यहाँ पर आर्मी आई हुई है और आर्मी क्लेम करेंगे कि आर्मी की बात है तो अपने कार्रवाई के लिए जो है अपना रास्ता क्लियर करवाती है, तो उसकी वजह से हमारे को भी रास्ता साइड मिल जाएगा। आर्मी सुनने में आया कि आगे रोड रोड ब्लॉक है, अब कब तक हम और पहुँचेंगे कोई पता नहीं है। फिलहाल तो जाम में फंसे हुए हैं, रोड पर भी बसें तो नहीं छोड़ी क्योंकि अभी जो है सी आर पी एफ की जो कार्रवाई जो है इन्होंने छोड़ी है, तो इसके पीछे हो सकता है कि करने का मौका लग जाएगा। इतने कोशिश करके कि कब तक पहुँचते हैं हम जम्मू की आवाम, हम बन जो बन टू प्लाजा जो है वहाँ पर आना भी हम यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको मैं दिखाऊँगा कि त्रिकुटा हिल, यहाँ से निकलने पर आपको दिखाऊंगा मैं त्रिकुटा हिल, त्रिकुटा हिल जो माता श्री माता वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन दिखाऊंगा मैं आपको। कई शहरों में हमें बात करनी पड़ती है, सात आठ शहरों में पैसेंजर काफ़ी छोटे छोटे इतने लंबे शहरों में ही जैसे कि हम नजदीक अभी दिखाऊँगा मैं आपको त्रिकुटा पहाड़ जो है क्योंकि यहाँ से माता वैष्णो देवी का जो पहाड़ है
आ रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप बचा हुआ है इस भाव का, और बहुत तेज़ भाव होता है यहाँ पे। और ये देखो अनप्रोटेक्टेड है ये इलाका, मतलब आप कोई भी अगर यहाँ पे खड़ा होता है तो अगर थोड़ा सा धक्का लगता है तो सीधा दरिया में जाएगा वो, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि जरा साइड में कोई पिल्लर या कोई बैरिगेटिंग कर रखी हो, कुछ भी नहीं है। आप इसमें बैठ आप खड़ा भी रह सकते हो, अगर चक्कर भी आ गया तो आप सीधा दरिया। और ये दरियाए चनाब बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है, अगर यहाँ पर कोई गिरता है तो उसको वापस नहीं आता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड ब्लॉक हो गया था पूरा, बड़ा पत्थर आ रखा है अभी तोड़ के, इसको आधा से कम निकाल रखा है, पर पूरा रोड यहाँ पे ब्लॉक हो गया था, जो कि कम से कम 7-8 घंटा ये रोड बंद रहा है। ये रात को 3 बजे ये यहाँ पे ये पत्थर ऊपर से आया था और ये पूरा नीचे रोड पे भर गया था। अभी इसको तोड़ ताड़ के जो है छोटा करके साइड से निकाल दिए जगह, अभी भी काफ़ी मलबा इसका पड़ा हुआ है, देखो ये ऊपर से पूरा पानी निकल गाइज रहा तो है। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। थक गए हैं आज, बहुत ट्रैफिक जाम था और मतलब जम्मू से यहाँ तक आने में 8-9 घंटे लगे, बहुत वेट करना पड़ा, बहुत जाम था, रोड ब्लॉक भी था। तो तभी करते हैं रेस्ट और ब्लॉक को करता हूँ ये एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।